हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट टॉप एंड वर्सेटाइल टॉप्स। तो कभी कभी होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि कैसे टॉप पहनना चाहिए, कैसे टॉप खरीदना चाहिए, किस तरीके से स्टाइल करना चाहिए, या फिर स्टेटमेंट टॉप्स क्या होता है, या फिर वर्सेटाइल टॉप्स भी क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यू कैन डिफरेंशिएट देम एंड यू कैन स्टाइल अकॉर्डिंगली। सो पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज स्टेटमेंट टॉप। स्टेटमेंट टॉप्स वो सारे टॉप्स होता है जो जिसमें कुछ डिजाइंस हो, जिसमें कोई प्रिंट्स हो, या फिर फ्लोरल प्रिंट्स हो, या फिर स्ट्राइप्स हो, कोई भी टेक्सचर्स प्रिंट्स हो। इस वाले में आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट टॉप है। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, ये पूरा एक फ्लोरल प्रिंट है। उसके ऊपर सामने यहाँ पे एक स्मोकी चेस्ट के, यहाँ पे एक स्मोकी लुक है, स्मोकी टेक्सचर्स है। यहाँ पे हाथ में इज अ फॉल, एक इलास्टिसिटी है जिसके वजह से एक फॉल क्रिएट कर रहा है। फिर नीचे एकदम ही प्लीटेड फ्लोई टाइप्स है। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट टॉप से, जहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है जिसके वजह से ये टॉप ज्यादा नोटिसेबल हो रहा है, जिसके वजह से ये टॉप ज्यादा दिख रहा है। एंड स्टेटमेंट टॉप्स को आप हमेशा कोई भी सॉलिड कलर के साथ पहन सकते हो, या फिर जीन्स हो, या फिर ट्राउजर्स हो, कोई भी सॉलिड कलर, बेसिक न्यूट्रल कलर के साथ आप पहन सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट टॉप्स में टॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही ज्यादा खुल के नजर आता है। तो अगर आप प्रिंट्स के साथ कोई भी ये ऐसे स्टेटमेंट टॉप्स पहन रहे हो तो फिर वो ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते। सेकंड वाला भी ये एक स्टेटमेंट टॉप है। दूसरा वाला एग्जाम्पल पे हाथ में एकदम पूरा पफ स्लीव है, फुल स्लीव है, यहाँ पे भी स्मोकी है पीछे की तरह, एंड इट इज टाइट, एंड इसका भी टेक्स्चर्स आर स्ट्राइप्स, एंड दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ वेरी बोल्ड लुक। तो स्टेटमेंट टॉप्स हमेशा एक बोल्ड लुक क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ देयर डिजाइंस, बिकॉज ऑफ देयर टेक्स्चर्स एंड देयर प्रिंट्स। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है। इसको मैंने फिर से वही प्लेन एक वाइट जीन्स के साथ पहना है। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत वर्सेटाइल टॉप के ऊपर। वर्सेटाइल टॉप जो होता है उसका बेसिक मोटो होता है एकदम सॉलिड कलर, उसमें कोई भी डिजाइन नहीं होता है, कोई भी प्रिंट्स नहीं होता है, पूरा एक सॉलिड कलर होता है, आइदर ब्लैक और ब्लू और वाइट और ब्राउन, मतलब एक ही कलर होता है। वो कोई भी टेक्सचर्स का हो सकता है, लाइक कॉटन हो, या फिर जॉर्जेट हो, सिल्क हो। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जो टॉप पहना है ब्लैक कलर का, ये एक वर्सेटाइल टॉप है। यहाँ पे कॉलर में थोड़ा बहुत डिजाइन है, उसको छोड़कर देयर इज नो अदर डिजाइन। जैसे मैं अभी यहाँ पे पहनी हुई हूँ, ये एकदम सॉलिड कलर का है, कोई भी प्रिंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉलर में थोड़ा सा ये डिजाइन है और भी कुछ नहीं है। तो बहुत ही मिनिमल डिजाइन होता है वर्सेटाइल टॉप्स में। एंड इसको मैंने एक पर्पल ट्राउजर के साथ पहना है। वर्सेटाइल टॉप को आप किसी भी तरीके से कलर ब्लॉक कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप पहन सकते हो, प्रिंट्स के ऊपर भी पहन सकते हो, सॉलिड कलर के ऊपर भी पहन सकते हो। सेकंड वाला में मैंने एक और दूसरा एग्जांपल ऑफ वर्सेटाइल टॉप यहाँ पे पहना है, ब्राउन कलर का। इसमें कोई डिजाइन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको मैंने एक प्रिंट के ऊपर पहना है। ये जो पैंट है ये पूरा प्रिंटेड पैंट है, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पहना है, इसलिए ये अच्छे से जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे वो सारे स्टेटमेंट टॉप्स पहनता तो एकदम नहीं जाता, एकदम अच्छे से नहीं खुलता। तो प्रिंट्स के ऊपर स्टेटमेंट टॉप पहनना बेकार होता है। वर्सेटाइल टॉप की वजह से ये जो प्रिंट है पैंट का वो ज्यादा खुल रहा है, ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट टॉप एंड वर्सेटाइल टॉप इज द कलर्स एंड द प्रिंट्स। स्टेटमेंट टॉप में प्रिंट होता है, फ्लोरल प्रिंट्स होता है, टेक्सचर्स होता है, एनी काइंड ऑफ प्रिंट्स होता है स्टेटमेंट टॉप्स में। एंड वर्सेटाइल टॉप्स में कोई भी प्रिंट्स नहीं होता है, इट इज प्योर सॉलिड कलर। सेकेंड पॉइंट जो है, स्टेटमेंट टॉप्स में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट वर्सेटाइल टॉप्स, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, एकदम प्लेन होता है। थोड़ा बहुत अगर किसी में भी डिज़ाइन हो, जैसे मैं इस वाले टॉप में जो अभी मैंने पहना हुआ है, तो वो भी बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन होता है, इतना ज़्यादा हेवी डिज़ाइन नहीं होता है लाइक स्टेटमेंट टॉप्स। सो दीज आर द मेन टू डिफरेंसेज फ्रॉम विच यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट आर स्टेटमेंट टॉप्स एंड व्हाट आर वर्सेटाइल टॉप्स। सो टू समराइज हाउ टू स्टाइल स्टेटमेंट टॉप्स एंड वर्सेटाइल टॉप्स, स्टेटमेंट टॉप्स के लिए यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ सॉलिड कलर्स और जीन्स। इफ यू आर वेयरिंग अ फ्लेयर काइंड ऑफ टॉप, देन wear something very skinny trousers or jeans. If the top is short crop top or not flare, then you can go for flare jeans or flare trousers. Sometimes what happens, statement tops does not have prints. एकदम solid color का भी statement tops होता है, सिर्फ एक ही color का, कोई print या फिर कोई florals नहीं होता है। But तब आप कैसे differentiate करोगे? Because of the design. Again because of the design you can differentiate that. So उस तरीके से top को आप print के साथ भी पहन सकते हो, normal flare के साथ भी पहन सकते हो।
सकते हो। वर्सेटाइल टॉप्स आर सॉलिड कलर्स एंड ऑब्वियसली वो आप किसी के भी साथ पहन सकते हो, किसी के भी साथ स्टाइल कर सकते हो, ट्राउजर्स, बूट कट्स, जीन्स या फिर प्रिंटेड जीन्स, किसी के भी साथ आप वो पहन सकते हो। द वर्ड वर्सेटाइल केम फ्रॉम देयर ओनली बिकॉज ये आप सबके साथ ही पहन सकते हो, कोई भी तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। दैट इज द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप दैट आई हैव क्लियर्ड एनी काइंड ऑफ डाउट अबाउट वर्सेटाइल टॉप एंड स्टेटमेंट टॉप्स। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन स्टेट दैट इन माई कमेंट सेक्शंस। एंड अपकमिंग में मैं दो नया वीडियोज लाऊंगी जहाँ पे मैं आई विल टॉक मोर अबाउट वर्सेटाइल टॉप्स एंड स्टेटमेंट टॉप्स डिटेल्स में, एंड वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से कौन से टॉप्स को वर्सेटाइल टॉप्स कैन बोलते हैं या फिर स्टेटमेंट टॉप्स बोलता है। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस ऑन दोज वीडियोज एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन अ न्यू वीडियो कम। एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी, स्टे फैशनेबल। Bye.